पुराने समय में भी लोग मानवता के भले के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि आने वाली पीढ़ी वो गलतियां न करे जो उन्होंने की थी। वो चाहते थे कि आने वाली पीढ़ी खतरे से बचे, उनसे दूर रहे, चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों न चली जाए। आज जंगल के प्राचीन और डरावने रहस्यों को खोजने कुछ दोस्त आए थे जो प्राचीन चीजों की स्टडी करते थे। एमा को अपने अंकल से पता चला था कि जंगल में एक खास पहाड़ी पर कुछ प्राचीन पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एमा और साथी जल्द ही इस पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं जिसकी बातें एमा का अंकल किया करता था। कुछ देर बाद सभी दोस्त गाड़ी से उतरते हैं। वो सभी जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़कर पेंटिंग्स को देखना चाहते थे। एमा के पीछे पीछे घुंघराले बालों वाला विल था। मासूम सा देखने वाला सिड मेल को पुकारता है जो उसे ऊपर आने को कहती है। सभी जल्दी जल्दी गुफा से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ जाना चाहते थे लेकिन पता नहीं क्यों एमा अंदर जाने से डरती है। गुफा में खड़ी क्रिस एमा को पुकारती है और वो धीरे धीरे उसके साथ अंदर आती है। दूसरी तरफ बाकी दोस्त गुफा के काफी अंदर आ चुके थे और वो गुफा को देखकर हैरान होते हैं। उधर एमा की सांसें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसे गुफा में घुटन महसूस हो रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और इसी बीच उसे चोट लगती है जिसके बाद उसका खून नीचे गिरता है। एमा की हालत देख क्रिस मदद के लिए डैस को पुकारती है। कुछ देर बाद सभी दोस्त एमा को संभाल रहे थे। विल क्रिस को मेडिकेट देता है और मेल भी उसे एमा की मदद करने को कहती है। डैस कहता है, दोस्तों अब हम ऐसा करते हैं, एमा गाड़ी लेकर गुफा के ऊपर से आएगी और बाकी सब गुफा से होते हुए पेंटिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। सभी दोस्त उससे सहमत थे। दूसरी तरफ एमा के खून के कारण गुफा में हलचल शुरू हो जाती है और ये हलचल आसपास के पानी में भी महसूस होती है। कुछ देर बाद सभी अपना अपना सामान लेकर गुफा के बीच से होते हुए उसकी दूसरी तरफ आते हैं। सभी दोस्त हैरान थे कुदरत की खूबसूरती को देखकर। फिर उनकी नज़र एक चट्टान पर पड़ती है जिस पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी। इन्हीं पेंटिंग्स की जांच करने वो जहां आए थे। कुछ देर बाद सभी दोस्तों ने टेंट लगा लिए थे जहां रहकर वो पेंटिंग्स की जांच करने वाले थे। विल और एमा को टेंट के पास ही एक नदी दिखती है जिसे देख दोनों खुश होते हैं। अचानक विल नीचे पड़ी एक बॉटल उठाता है जिसे छोटे छोटे कीड़े खा रहे थे। विल ये सब देख कर डर जाता है। कुछ देर बाद सिड और मेल को छोड़कर सभी दोस्त चट्टान पर बनी पेंटिंग्स को देख रहे थे और उनकी जांच जल्द ही शुरू करने की सोचते हैं। थकावट के कारण एमा और विल वहां से चले जाते हैं लेकिन डैस और क्रिस वहीं रुकते हैं। क्रिस डैस की तस्वीरें ले रही थी और तभी कोई जानवर उसे काटकर भाग जाता है। अब रात को सभी दोस्त अपने टेंट्स के पास आराम कर रहे थे। इसी बीच मेल तैरने आती है और उसके साथ सिड भी था। अचानक मेल के शरीर पर कई झोंकें लग जाती हैं जिन्हें सभी दोस्त मिलकर उतार देते हैं। इसके बाद डरी हुई मेल अपने टेंट में आराम करने आती है। कुछ देर बाद मेल की हालत खराब होने लगती है और उसे देखने एमा आती है। मेल उठती है जिसके मुंह से खून के साथ साथ अब दांत भी निकलने लगे थे। ये देख एमा सिड से कहती है, डैस को बुलाओ। मेल की हालत काफी खराब हो चुकी थी और एमा उसे आराम करने को कहती है। बाहर डैस कहता है, जो कि जहरीली नहीं होती, जरूर उसे पानी के कारण थोड़ा बहुत बुखार हुआ होगा और मैं इसके कारण पेंटिंग्स की जांच छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर एमा उसे समझाने बाहर आती है। अब डैस खुद मेल को देखने जाता है और उसे देखने के बाद बाहर आकर पूछता है, यहाँ आसपास के टाउन के बारे में किसे याद है? सिड कहता है, मुझे याद है। डैस, अगर तुम अभी चले तो कल दोपहर तक वहाँ पहुँच जाओगे। मैं यहीं रुककर अपनी जांच को पूरा करूँगा। अब डैस मेल को उठाकर गाड़ी में रखता है लेकिन गाड़ी के टायर छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिए थे। इसके बाद डैस मेल को वापस उठाकर टेंट की तरफ जाता है और उसे टेंट में आराम करने के लिए लिटा दिया जाता है। मेल के अंदर बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। अगले दिन सुबह सभी दोस्त अपना सामान समेट रहे थे लेकिन क्रिस कुछ देखकर एक तरफ बढ़ती है। वो एक तरफ खड़ी मेल के पास आती है। क्रिस धीरे धीरे मेल की तरफ बढ़ रही थी। वो जैसे ही उसके पास आती है तो वो डरकर पीछे हट जाती है। मेल किसी जानवर को बच्चा खा रही थी। क्रिस उसे देख हैरान थी और तभी मेल अपना नया रूप दिखाती है। वो उसे एक तरफ हटाकर एक लंबी छलांग लगाकर सिड को पकड़ लेती है। सभी मेल का यह रूप देखकर डर गए थे और तभी डैस जलती आग से मेल को डराता है जिसके बाद वो भाग जाती है। सिड की एक बाजू जख्मी हो गई थी। क्रिस अपने कैमरे में तस्वीरें देखकर, वो पेंटिंग्स किसी कहानी को पेश नहीं करती बल्कि वो पेंटिंग्स चेतावनी है। डैस कहता है, तस्वीरें ध्यान से देखो, शायद कोई मदद मिल जाए जिससे हम मेल को ठीक कर सके। सिड कहता है, हमें मेल को ठीक करना ही होगा। डैस भी उससे सहमत था। दूसरी तरफ जंगल में मेल हर जिंदा चीज को पकड़कर मार रही थी। फिर वो उसे गुफा में फेंक देती है और उसके बाद गुफा पूरा खून चूस लेती थी। उधर सभी दोस्त मेल को जाल में फंसाने की योजना पर सहमत होते हैं और वो जल्द ही इस योजना पर काम करना शुरू कर देते हैं। जाल तैयार कर डैस कहता है, सिड तुम यहीं रुकोगे और जब वो तुम्हें देख लेगी तब तुम जाल के एक तरफ हो जाना। मैं रस्सी लेकर पेड़ के ऊपर रहूंगा। वो जैसे ही जाल के अंदर आएगी तभी मैं पेड़ से कूद जाऊंगा और वो जाल में फंस जाएगी। अब तुम सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढो। क्रिस, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? डैस, आपको हिलाओ, शोर मचाओ, वो तुम्हें जब देखेगी तो आग के कारण पीछे हट जाएगी। लेकिन सिड बिना आग के रहेगा। एक बात याद रखना, तुम्हारे और उसके बीच आग का होना
करना जरूरी है, तभी तुम बच सकते हो। अब डैस पेड़ पर चढ़ने लगता है और बाकी मेल को ढूंढने जाते हैं। बेचारा सिड अंदर से पूरी तरह डरा हुआ था। अचानक एमा के सामने मेल आ जाती है। एमा उसे आग से रोकती है, लेकिन आग भी बुझने वाली थी। और तभी विल आकर मेल को रोकता है। अब दोनों भागते हैं और उनके पीछे मेल लगी थी, जिसकी नजर सिड पर पड़ती है। वो जैसे ही सिड को पकड़ने जाती है, तभी जाल में फंस जाती है। डैस जाल को पेड़ से बांध देता है, लेकिन मेल जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। वो जल्द ही जाल को काट कर आजाद हो जाती है, जिसके बाद वो विल को काटती है। फिर वो डैस के पीछे लग जाती है और एमा विल को संभालती है। इधर क्रिस देखती है कि मेल वहाँ से भाग जाती है, जबकि डैस पानी में छुपकर बच जाता है। वो जल्दी जल्दी पानी से बाहर आकर खुद को चेक करता है और सब कुछ ठीक था। अब रात को सभी दोस्त बैठे आगे की योजना बना रहे थे और तभी मेल वहाँ आकर पास पड़ी विल की लाश को कच्चा खाने लगती है। अब मेल आदमखोर बन चुकी थी। वो विल को थोड़ा सा खाकर बाकी आधे बचे हिस्से को गुफा में फेंक देती है। इधर अचानक डैस की तबीयत खराब होने लगती है। सभी को लगता है कि यह सब पानी के कारण हो रहा है। क्रिस पूछती है, अब हम क्या करें? सिड, हमें इसे मारना होगा। यह सुनकर एमा डर जाती है। सिड समझाता है कि इससे पहले यह भी मेल की तरह बन जाए, हमें इसे मारना ही होगा। फिर सभी एक गेम खेलकर फैसला करते हैं कि कौन यह काम करेगा। एमा गेम हार जाती है और वो डैस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। फिर वो एक पत्थर उठाकर डैस के सिर पर दे मारती है। अब सभी दोस्त धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं ताकि गाड़ी से कोई हथियार मिल सके, लेकिन उनके सामने मेल आ जाती है। उसे देख सिड डर जाता है और मेल उसे काटती है। फिर वो एमा के पीछे भागती है, जबकि क्रिस भागकर गाड़ी तक आ चुकी थी। एमा भागती भागती गुफा में आ जाती है। वो देखती है कि मेल गुफा के बाहर ही रुक गई थी, जैसे वो गुफा से डरती हो। उधर क्रिस गाड़ी में हथियार ढूंढ रही थी और तभी डैस उसे देख लेता है। क्रिस किसी तरह हथियार उठाकर गाड़ी से निकलती है, लेकिन डैस उसके पीछे लग जाता है। वो क्रिस को काटने ही वाला था, लेकिन मेल अपने शिकार को डैस से बचा लेती है। मेल डैस को दूर जाने को कहती है, जिसके बाद वो क्रिस को पकड़ कर ले जाती है। एमा के हाथ में पकड़ी आग को देख कर डैस भी वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एमा और सिड गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। सिड के पास क्रिस का हथियार था, जिसे उसने गाड़ी से निकाला था। अचानक दोनों देखते हैं कि मेल विल के बचे हुए हिस्से को खा रही थी, जिसके पास डैस भी था। सिड जी देखकर गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता है। वो सीधा आकर डैस से लड़ने लगता है, जबकि मेल एमा को रोकती है। सिड और डैस एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे पर कई वार करते हैं और लड़ाई के आखिर तक दोनों मर जाते हैं। अब मेल और एमा बचे थे। एमा नीचे पड़ा हथियार उठा लेती है। फिर वो धीरे धीरे गुफा की तरफ बढ़ती है और जल्द ही गुफा में आ जाती है। मेल उसे दूर खड़ी देख रही थी। एमा धीरे धीरे गुफा में बढ़ रही थी, लेकिन शायद गुफा में कोई और भी था। एमा की सांसें तेज चल रही थी और अचानक क्रिस को देखकर वो और भी डर जाती है। क्रिस की हालत बहुत खराब थी। एमा उसे संभालती है, लेकिन वो पूरी तरह से डरी हुई थी। एमा उसे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक एक जीव एमा को पकड़ लेता है और क्रिस को दीवार से पटक देता है। अब एमा के सामने एक बड़ा सा गंदा सा जीव आता है, जो उसके शरीर के साथ कुछ अजीब सा करने लगता है। एमा को बेहोश देख जीव उसे छोड़ देता है और तभी एमा हथियार उठाकर जीव पर टूट पड़ती है। वो कई हमले कर गुफा से भागती है और एक लंबी छलांग लगाकर बाहर आ जाती है। गुफा का जीव अभी भी जिंदा था, जबकि एमा अपनी जीत पर खुश थी। तभी अचानक मेल आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन इस बार एमा उसे उठाकर फेंकती है। जख्मी मेल अब उठ नहीं सकती थी और तभी एमा एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर फेंक देती है। इस तरह आखिर में सिर्फ एमा ही बचती है। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।